जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सर ठीक ही होंगे यार। अगर आपको भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना है तो सिंपली से गाइस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। तो सिंपली से गाइस विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली से गाइस आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आपको भी ये वाला काइंड मास्टर एप्लीकेशन चाहिए तो सिंपली से गाइस मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको सिंपली से वहाँ से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा ये इसका काइंड मास्टर का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो सिंपली से इतना होने के बाद आपको सिंपली सा यहाँ पे क्रिएट अ न्यू बटन दिख ही रहा होगा, तो इस पर टैप कर देना। टैप करने के बाद आपको 60:9 ले लेना है और नेक्स्ट पे टैप कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर लेना है। और इतना होने के बाद आपको सिंपली टाइम ड्यूरेशन इसका बढ़ा लेना है जितनी बड़ी आप वीडियो बनाना चाहते हो। इतना होने के बाद आपको सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद मीडियम चले जाना है। जाने के बाद आपको सिंपली से गाइस एक कोई सा भी एक इमेज आप ले लीजिएगा जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद इस तरीके से आप साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली गाइस इसको लास्ट तक कर लीजिएगा। तो यहाँ आपसे राइट पे टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद आपको दोबारा से इस पर टैप करना है और यहाँ पे की वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली गाइस यहाँ पे मिडिल में आ जाना है। आपको यहाँ से एक की दे देना और इस तरीके से आप इस साइड कर लीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट में आना है, आपको लास्ट में एक की दे देना है और यहाँ से आपको इस तरीके से इस साइड कर लीजिएगा। तो यहाँ से राइट पे टैप कर दिया। इतना होने के बाद आपको सिंपली से लेयर पे टैप करना है। टैप करने के बाद मीडियम चले जाना है और यहाँ से आपको वाइट कलर का एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना और इस तरीके से इंक्रीज कर लीजिए और राइट पे टैप कर दीजिए। इतना होने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से इसको इस साइड कर लीजिएगा इस तरीके से। तो इतना होने के बाद आपको राइट पे टैप कर देना और इस तरीके से आगे साइड कर लेना है लास्ट तक। इतना होने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे लेयर वाले जाना है और यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टैप कर देना है। तो सिंपली से आपको ये वाला इफेक्ट आपको यहाँ से ये वाला स्टोर दिखाई दे रहा होगा, इस पर होम वाले टाइप करिएगा, आपको इसके अंदर मिल जाएगा ये वाला। तो ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली से। तो यहाँ से राइट पर टाइप कर दीजिएगा और यहाँ से सेटिंग में जाइएगा। इसका सेटिंग एंगल रख लीजिएगा 90 तक रख लीजिएगा और इसका फेदर आप रख लीजिएगा 33 तक। 33 में रख लिया हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिए जितना लगाना चाहते हो। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली गाइस इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है। तो सिंपली से यहाँ से नीचे की साइड आ जाइएगा और इसका वाइट कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से राइट साइड कर लीजिएगा और इस तरीके से आप इस साइड इसको बढ़ा लीजिएगा, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ से राइट पर टैप कर दीजिएगा और इसको लास्ट तक कर लीजिएगा। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस आपको लेयर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। जाने के बाद आपको सिंपली से गाइस आपको 2-3 मटेरियल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा और यहाँ पे कैची के बगल वाले भी, इस पर टैप कर दीजिएगा और इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। इतना होने के बाद आपको सिंपली दोबारा से टैप करना है उसी पे लेयर वाले पे और दोबारा से आपको आ जाना नीचे की साइड। आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख गया होगा, इस पर टैप कर देना और इसको कर लेना है स्क्रीन। तो इतना होने के बाद आपको दोबारा से लेयर में चले जाना है। आने के बाद आपको मीडिया में चले आना है। चले आने के बाद आपको सिंपली से गाइस मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा स्टेटस वाला, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके का रहेगा। तो इसको लगा लीजिएगा और इसको टैप करने के बाद, तो इसको इतना होने के बाद आपको सिंपली गाइस नीचे के साइड आ जाना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसे कर लेना है मल्टीप्लाई। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली गाइस इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ से राइट पर टैप कर दीजिए और यहाँ से दोबारा से आपको लेयर वाले में जाना है, मीडिया में चले जाना है। जाने के बाद सिंपली से गाइस एक मैं इमेज दे दूंगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके का इमेज रहेगा और आपको दिखाई नहीं देगा, पर यहाँ से आपको कलर फिल्टर इसका चेंज कर देना क्योंकि वो वाइट कलर का। और यहाँ से कलर फिल्टर में आने के बाद आपको सिंपली से गाइस बेसिक में आ जाना। आने के बाद आपको सिंपली से गाइस यहाँ पे V05 इसको कर लेना और यहाँ से राइट पर टैप कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस इस तरीके से आप या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे नीचे के साइड। तो मैं नीचे के साइड लगा लेता हूँ, यहाँ से राइट पे टैप कर देता हूँ
और इसको थोड़ा सा लास्ट तक कर लेता हूँ जितनी बड़ी मेरी वीडियो बनाना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस देख सकते हैं इस तरीके का वीडियो बन जाएगा, देख सकते हैं। तो सिंपली से गाइस मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली से गाइस देख सकते हैं इस तरीके का मेरा वीडियो बन चुका है। तो सिंपली से गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपली से ये वाला एक्सपोर्ट वाला बटन दिख ही रहा होगा, तो सिंपली से गाइस इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली से गाइस यहाँ पे कोई से भी क्वालिटी में आप हाई लो में कर सकते हो, और यहाँ से 180 पे जितनी भी आप अपने हिसाब से जो भी क्वालिटी में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो उतने में कर सकते हो यार। तो सिंपली से गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, और यहाँ से आप सेव कर सकते हो। बस अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो एक लाइक कर देना मेरे भाई, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं स्टेटस लेकर आता रहता हूँ। और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना भाई, क्योंकि वहाँ पे मैं हर मटेरियल को लेकर आता रहता हूँ, आप वहाँ से आप कुछ अलग सा चीज़ सीख सकते हो। तो बस सिंपली से इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।